Subscribe now. सो हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम आपके लेके आ गए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम कवर कर रहे थे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान जो है वो चल रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे रहने वाला है साइंस का सब्जेक्ट और ये टाइप ऑफ माई लेसन प्लान हमारा माइक्रो टीचिंग। ठीक है, और उसके बाद हम टॉपिक की बात करें तो वाटर अ वंडर लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिखोगे एंड टाइम ड्यूरेशन कितनी है। और आपको मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि भी आपको हर एक टॉपिक का मिनिएचर जरूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले तो क्या होता है फॉर्मेट, आप सबको पता है सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी होती है हमारी, स्टूडेंट की एक्टिविटी एंड कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ ये आप सबको पता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या करेगा पीपल टीचर जो है वो व्हेन कहते हैं द पीपल टीचर विल एंटर इनटू क्लासरूम में आएगा एंड विश करेगा स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग क्लास एंड आगे से ये गुड मॉर्निंग आएगा। उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट को लेट स्टार्ट यहाँ पे पूछेगा स्टूडेंट्स व्हाट डू वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो कहता है कि हम रेनिंग सीजन में क्या देखते हैं। देखो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट चल रही है, यहाँ पे वही आएगा हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और वही मिक्स्ड हो सकती है या फिर टोकन रीइंफोर्समेंट हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा वर्बल हो सकती है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, यही होते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके हमारे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के। तो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने पूछा और बच्चों ने कहा एक्सपेक्टेड आंसर की क्लाउड, कि क्लाउड हम जो है रेनी सीजन के अंदर दिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को उन्होंने बोला गुड, तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारी वर्बल रीइंफोर्समेंट होगी पॉजिटिव। उसके बाद कहता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेन, तो कहता है कि रेन का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, तो हमारा वाटर ये उल्टा लिख दिया हुआ है इन्होंने, तो यहां पे आप ऐसे लिख दो इसको कि रेन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेन इज द, है ना, ऐसे लिखो इसको, ये व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेन, तो यहां पे क्लाउड होंगे ना, क्लाउड रेन का मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन उल्टा करो इसको कि रेन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ किसका सोर्स है रेन, तो रेन जो है वो पानी का इंपॉर्टेंट सोर्स है, फिर यहां पे गुड आ जाएगा। इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको आप कर लो रेन इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ऐसे करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर बच्चे बोलते हैं वाटर का और उसी हिसाब से उन्होंने बोल दिया गुड, ये भी हमारी पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट होगी। फिर कहता है व्हाट आर द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, या फिर ऐसे लिख दो व्हाट आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ, ये भी ठीक ही है बेसिकली, लेकिन आप इसको और ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये इन्होंने पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दो कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट या फिर इसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, ठीक है, तो सर्वाइव करने के लिए क्या क्या जो है वो इसेंशियल चीजें हैं, तो यहां पे फिर आ जाएगा वाटर फूड क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद ऑल राइट, तो ये भी देखो ऑल राइट जो है हमारा, ये भी हमारा करेक्ट। फिर बच्चों को अनाउंसमेंट हो जाएगी टॉपिक की, सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वाटर, ठीक है। सो उसके बाद हमारे जो टीचर हैं वो पूछेंगे कि व्हाट आर दी यूजेस ऑफ वाटर इन एवरीडे लाइफ, बच्चों से पूछेंगे तो वो बता देंगे बाथिंग कुकिंग फूड, है ना, वॉशिंग क्लोथ्स ड्रिंकिंग, है ना, तो फिर गुड आ गया। यहाँ पे भी आपको लिखना है इसके सामने पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, तो स्नो एंड रेनफॉल, यहाँ पे भी गुड यस, तो ये भी पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट होगी। उसके बाद कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ, नहीं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, तो ये कहेगा कि डिटर्जेंट्स पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स फर्टिलाइजर यूसेज, यहाँ पे भी आप जो है वो लिख दोगे क्योंकि ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, तो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स और यहाँ पे पॉजिटिव वर्बल इन्फोर्समेंट का यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टूडेंट टेल मी नाउ होगा यहाँ पे हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, को कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो,
तो आप क्या योगदान दे सकते हो, तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे कि हमें पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना है, अवॉइड बाथिंग वॉशिंग इन पॉन्ड्स एंड रिवर, यानी ओपन वाटर बॉडीज में नहीं नहाना है। तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद कहता है कि गुड स्टूडेंट, तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्बल एनफोर्समेंट है। उसके बाद कहता है वेल क्लास टुडे वी हैव लर्न अबाउट वाटर अ वंडर लिक्विड, तो इसके बारे में पढ़ा, एंड नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, आप लिख दोगे आगे, ठीक है। और थैंक्स क्लास फॉर बीइंग अटेंटिव ड्यूरिंग माय लेक्चर, और थैंक यू सर, बच्चे बोलेंगे और कहानी खत्म होगी हमारा लेक्चर। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जर्वेशन टेबल, इसके अंदर आपको कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करें, टैली एंड रेटिंग, तो वर्बल पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट कितनी बार यूज़ करा, ठीक है, पॉजिटिव नॉन वर्बल का कितनी बार यूज़ करा। उसके बाद आपने देखना है, ये उसी हिसाब से लिखना है, इन्होंने गलत करा हुआ है, ये आपको उसी हिसाब से करना है कि कितनी बार यूज़ करा देख लेना, ठीक है। नेगेटिव वर्बल रीइन्फोर्समेंट का कितना, आप ऐसे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड कर लेना जिसमें बच्चे ने गलत जवाब दिया हो, ठीक है। नेगेटिव नॉन वर्बल रीइन्फोर्समेंट, उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा वर्बल रीइन्फोर्समेंट अगर नहीं है तो इसको रहने दो खाली, ठीक है। उसके बाद आता है ओवरऑल रेटिंग कितनी मिली, तो वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो सिग्नेचर आपके हो जाएंगे सुपरवाइजर के बाद में, ठीक है, जैसे वेरी गुड मिली हुई है इसको। तो ये था हमारा सेकेंड वीडियो जिसके बाद ऊपर हमने बात करी वाटर के ऊपर, और आशा करता हूँ कि आपको एक आइडिया जो है वो मिल गया होगा। जब एक बार आप लेसन प्लान बना लोगे ना, एक लेसन प्लान, उसके बाद ना आपको 10 टॉपिक दे दिए जाएंगे, तो आप 10 के 10 लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हो। बस एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, बीएड के ग्रुप में, वहाँ पे बीएड के रिलेटेड आपको हर चीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। Press the bell icon.